हे गाइस, मेरा नाम है विकास राज। आप देख रहे हैं टेक्निकल शो। सो लेट्स गो गाइस। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं पावर ऑफ सोशल मीडिया के बारे में। मतलब मैं आज बात करूंगा सोशल मीडिया का इस दुनिया में कितना ज्यादा पावर है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। जी हां गाइस, आज मैं एक लेडी के बारे में बात करने वाला हूं जो कि उनका इतना अच्छा वोकल है, जिसने गाना गा के पूरा दुनिया को कह सकते हो हिला दिया है। मतलब कि वो डायरेक्ट एक ऐसे फेमस सिंगर का वोकल रिकॉर्ड, मतलब कि कह सकते हो कॉपी गा दिया है, कि इस अभी पूरा वायरल चल रही है। मतलब वायरल वुमेन के नाम से इनका टैग अभी पूरा फेमस हो चुका है इंडिया में। तो बस इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो कहाँ से आई है, कैसे वो यहाँ जमीन से लेकर आसमान तक पहुँच गई, वो कहाँ की थी, कहाँ पे कौन गाना गए, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और कुछ आपको क्लिप्स भी दिखाऊंगा उन गाने के जो उन्होंने गाई है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, काफी मोटिवेशनल वीडियो। तो वीडियो चैनल पे नया आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल बटन आइकन को जरूर दबा ले ताकि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे तुरंत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहूंगा जो उन्होंने गाया है, तो क्लिप को सुनिए। कुछ भी नहीं तेरे मेरी कहानी है, इस प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरे मेरी कहानी है, इस प्यार का नगमा है। ला 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 ला, कुछ खो कर पाना। तो ये लेडी कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पे कहीं पे स्ट्रीट सिंगर की तरह गाना गा रही थी, ठीक है, जो कि लता मंगेशकर का गाना है, एक प्यार का नगमा है गाना है। उन्होंने हावड़ा के स्टेशन पर ये गाना को गाया, फुल्ली कॉपी लता मंगेशकर की आवाज़ में, मतलब एक ज़रा सा भी नहीं, मतलब कह सकते हो कि एकदम बराबरी सॉन्ग उस तरह का गाया कि, और ये इसे फेसबुक के किसी बंदे ने वहाँ पे जस्ट अपलोड कर दिया, क्योंकि करीब 2 से 3 महीने पहले ये अपलोड हुआ था फेसबुक। उसके बाद अचानक से लोग उस पर ध्यान पड़ते गया। मैं भी बहुत काफ़ी दिन पहले ये वीडियो देखा था, ठीक है, लेकिन उस समय ये ट्रेंड पे नहीं था, मैं सिर्फ देखा सुना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वो आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब एकदम क्या मैं बताऊँ, मतलब कि आप सुनो एक सुन लो एक बार क्लिप, तो फिर आपको तय हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच। बता दूं कि ये लेडी अब हिमेश रेशमिया के सर जो है, हिमेश रेशमिया सर है, उनके साथ ये अब गाना गाने वाली है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि जमीन पर वो ना ही उनके पास रहने के लिए घर था, ना ही पहनने के लिए कपड़ा था, ना खाना था, ना कुछ नहीं था, ठीक है, बस उन्होंने ऐसे ही गाना गाया और किसी बंदे ने फेसबुक पे अपलोड किया और वो आज जाके इतना वायरल हो गया कि वायरल वुमेन के नाम से भी इनका पूरा टैग यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे पूरा एकदम जोरदार छा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया का पावर कितना ज़्यादा है अभी इस दुनिया में, कि एक चंद मिनटों में क्या से क्या हो जाएगा किसी को भी नहीं पता। जी हाँ गाइस, ठीक है, किसी को भी नहीं पता। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है, आप कंटेंट तैयार करते जाओ, एक ना एक दिन वो वायरल ज़रूर होगी, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी ये गाना का मैं जो अभी आने वाला है हिमेश रेशमिया के साथ जो गाना है तेरी मेरी करके कुछ गाना है, वो उसका भी मैं क्लिप छोटा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि हाँ ये सही में डायरेक्ट, इनके पीछे कोई मीडिएटर नहीं था, मतलब इनको कोई ऊपर ले जाने वाला नहीं था, डायरेक्ट ये जमीन पर गाए
और आसमान के ऊपर डायरेक्ट चले गए। अब ये कैसे गए नहीं गए किसी को भी नहीं पता, बस इन्हें कहा जा रहा है कि डायरेक्ट अब ये बॉलीवुड में सिंग करने वाली है एक गाना जो कि हिमेश रेशमिया सर के साथ आने वाला है एक फिल्म में डायरेक्ट। मैं उसका क्लिप आपको दिखा देता हूँ ताकि आप तय कर लो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच। तो आप इस वीडियो से तय करो कि आप अपना जो कंटेंट, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, जिस जो प्लेटफॉर्म चला रहे हो, तो आपको बस एक ऐसा तगड़ा कंटेंट देना है जिससे लोग देखने के लिए तरस जाए। तो बाकी बस इसी वीडियो में बस यही बात करने वाला था। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको मोटिवेट फील हुआ होगा इस वीडियो को देखकर। तो चैनल वीडियो अगर अच्छा लगा तो इससे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे।